परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में अपने आप को निरंतर पर प्रभु के सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ उसके एक एक पल को जानते हुए, जानने का प्रयास करते हुए, उसके प्रभु के उस हृदय को, प्रभु के उस मन को उसके करीब और आते हुए, उसकी गहरी उपस्थिति को अपने जीवन में और शालीनता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक उसको देखते हुए हम लोग आज यहाँ पहुँचे। प्रभु का धन्यवाद हूँ। निश्चय ही परमेश्वर, जैसे जैसे हम उसके वचन में, जैसे जैसे हम उसके निकट और आते हैं, जैसे जैसे हम उसके वचनों को और समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से वो हमारे आपके लिए प्रकट होता है, प्रकट हो रहा है आज के शाम में। प्रभु परमेश्वर अपने वचन से आपके जिंदगी में और आपके परिवार के वातावरणों में प्रभु अपना एक अलग अनुग्रह देना चाहता है। याद रहे कि प्रभु के निकट हम हैं और परमेश्वर की उन बातों को जो वचन में है और हमारे जीवन के लिए काम करने के लिए तैयार है। समय उलझन भरा कभी होता है, कभी आंधियां होती हैं, कभी तूफान होते हैं, पर जो विश्वास की सही परिभाषा है, जो विश्वास का सही अर्थ है कि हम उसके वचन पर बने रहे, उसकी एक एक बातों को अपनी जिंदगी में सोचें और विचार करें, क्योंकि ये हमारे अंदर से तमाम बीमारी और समस्याओं को और बुरी लतों को निकाल के बाहर फेंकता है। आज प्रभु हमें जो वचन देता है, क्या हम उस यीशु के वचन को अपनी जिंदगी में एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, उसे स्थिर कर पा रहे हैं? तो आज प्रभु का वो आत्मा जो हमारे मध्य में है और उसके साथ लगातार हमारी आपकी जो संगति है, कहीं ना कहीं हमारे आपको एक नया बल देता है, एक नई ऊर्जा देता है और एक नई समझ से हमें आपको भर रहा है। तो प्रिय भाई बहन, आज हम एक ऐसे वचन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर हमें वो हर एक चीजें प्रभु, जो एक फाउंडेशन है, जो एक परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने का और उसमें आगे बढ़ने का जो एक नींव है, वो हमें प्रभु देना चाहते हैं। देखिए प्रभु हमें कुछ देने के पहले वो हम पर विश्वास रखता है। जिस तरह हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी क्या हम पर विश्वास रखता है? यदि प्रभु हम पर भरोसा नहीं रखता तो वो अपनी चीजें हमें कभी नहीं देता, और जब वो हम पर भरोसा रख, जैसे हम उस पर भरोसा रखते हैं, क्या परमेश्वर हम पर भरोसा रख सकता है? क्योंकि वो जो अपनी अमानत, अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य या स्वर्गीय इच्छा को, उसके कार्य को, उसके बल को जो हमें देता है, हम उसके प्रति कितने सजग हैं, उसके प्रति हम कितने जागरूक हैं, वो हम पर भी तो भरोसा रखता है। कैसे रखे हम पर भरोसा? भाई जितना आप परमेश्वर पर, जितना हम लोग खुदावन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, वो हम पर भी भरोसा जब तक नहीं रखेगा तब तक वो हमें कुछ चीजें नहीं देगा। वो हमें कब कुछ चीजें देगा? उदाहरण के लिए कि यदि पुत्र पिता पर विश्वास करता है, सही है, पर पिता को भी पुत्र पर भरोसा होना चाहिए, तभी पिता अपनी चीजें पुत्र के हाथ में देगा। मान लो अगर उसे 10 रुपए दे दिया और ले जाकर के कहीं फेंक दिया या उसको गलत कार्यों में व्यर्थ कर दिया, तो ऐसे इस हालातों में क्या पिता पुत्र को कुछ सौंपेगा? क्या देखेगा वो? तो आप जानते हैं कि पिता अपने बच्चे के अंदर एक अपना स्वभाव देखेगा, एक पिता अपने बच्चों के अंदर एक कार्य कुशलता को देखेगा, एक पवित्रता को देखेगा, एक ईमानदारी को देखेगा, सच्चाई को देखेगा, तभी वो अपनी संपत्ति को पुत्र के हाथ में सौंपेगा। उदाहरण के लिए यूहन्ना 3:35 का जो वचन है कि लिखा है कि पुत्र ने
पिता से प्रेम किया और पिता ने सारी चीजें पुत्र के हाथ में दे दी और वो उसी तरीके से पिता भी पुत्र पर भरोसा रखता है। ऐसा नहीं कि केवल पुत्र ही भरोसा रखता है, पिता भी अपने पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। उसी रीति से आज हम लोग भरोसा रखते हैं, कुछ पाने की इच्छा रखते हैं कि हे प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह दीजिए, हमारे मन में शांति दीजिए, हमारे लिए योजना बनाइए, हमारे लिए अपने आप को प्रकट करिए। हाँ, पिता भी आप पर भरोसा रखे तभी तो सब कुछ सही होगा। हम जब पाप की परिस्थितियों में होते हैं तो जब हम प्रभु को नहीं जानते हैं तो परमेश्वर बगैर पूछे हुए आपको गले लगा लेता है और कहता है कि तू बेटा अपने पापों से प्रायश्चित कर और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। मत्ती 7:7-9 वो हमें सब कुछ देना चाहता है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, ये चीज़ें वो हमारे लिए देता है, हम मांगते हैं और वो हमारे लिए देता है, हमारे लिए देने के लिए तैयार है, पर वो देगा तभी जब वो हम पर भरोसा रखता है। ऐसा नहीं कि केवल हम ही पिता पर भरोसा रखते हैं और वो हमारे लिए सब कुछ दे देगा। पिता का भी भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब पिता भी आपके अंदर खूबियों को देखना चाहता है, पिता भी आपके अंदर उस सच्चाइयों को, अच्छाइयों को, पवित्रताई को, समर्पण को, त्याग को देखेगा, तभी तो वो अपनी चीजें, अपनी अमानत आशीष के रूप में, छुटकारे के रूप में और बहुत सारे आशीषों के रूप में आपके हाथ में देगा। नहीं तो आप तो, आपको जब वो देखता है तो आप बिल्कुल उसके उलट दिखाई देते हैं। आप उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, आप उसके वचन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या पिता आप पर भरोसा रख सकता है? जब आप पुत्र पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, वही पुत्र है जो पिता और पुत्र दोनों एक हैं कहता है, वही वचन है, वो वचन आपको दे दिया और वचन जहां स्थिर है वहीं पिता भी अपने कामों को स्थिर करेगा यीशु के नाम से। तो आज हम भरोसा करते हैं, हम बोलते हैं हम विश्वास करते हैं प्रभु। ठीक है, आप विश्वास करते हैं तो पिता भी आप पर विश्वास करता है। किन परिस्थितियों में? जब आप उसके वचन को ले लेते हैं, जब आप उसके वचन को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, तो हाँ पिता का भी भरोसा होता है, पुत्र का भी भरोसा होता है कि हाँ वो आपके लिए वो चीजें दें। केवल एक तरफा भरोसा से काम नहीं होगा। यदि पुत्र पिता पर भरोसा रखता है, पर पिता जो है जब पुत्र को देखता है तो अभी वो नशेड़ी है, अभी वो व्यभिचार कर रहा है, अभी वो चोरी कर रहा है, अभी वो हत्या कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हमसे अभी दूर हैं। वो हमें चाहता तो है कि वो हमारे जीवन में कल्याण करे, हमारे जीवन में आशीर्वाद को दे, पर पिता जब भी देखता है तो पुत्र के अंदर बहुत सारे अभी काले पीले नजर आते हैं, गुनाह की परिस्थितियां नजर आती हैं, बदलाव पिता को नहीं दिखाई देता। और जब तक बदलाव पिता को दिखाई नहीं देगा, तब तक पुत्र की सामर्थ्य, पुत्र के द्वारा आया हुआ आशीर्वाद आपके जीवन के लिए रुका रहता है, वो रुका रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप वचन को ले लेते हो और अपने मनों को शुद्ध करते हो और अपने जीवन से तमाम गुनाह और पाप को, व्यभिचार को, अशुद्धता को दूर फेंकते जाते हो, वैसे ही पिता भी, वो निश्चय ही पुत्र भी आपके जिंदगी में अपनी एंट्री करता है और निश्चय ही पिता के द्वारा दी हुई हर संपत्ति पुत्र के हाथ में आपके घरानों के लिए पहुँचती है, आशीषें आपके हाथों में पहुँचती हैं, छुटकारे आपके आपके जीवन में आते हैं, आपके परिवारों में उतर आते हैं। तो किस दशा में आप भरोसा रख रहे हैं? आप उस पर विश्वास कर रहे हैं? पिता भी आप पर विश्वास करे, ऐसे कामों को करना है, भरोसा करे, तभी वो आपके काम के लिए अपने तभी वो अपने आशीर्वाद को आपके जीवन के लिए दे सकेगा। हालेलुया। याद रखो कि अगर हम देखें उदाहरण के स्वरूप, तो वो अब्राहम था। जब अब्राहम ने अपनी यात्रा शुरू की तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय को जब पढ़ेंगे 1-5-6 तो वहाँ क्या लिखता है? लिखता है कि अब्राहम इस देश जन्मभूमि पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब दिखाऊंगा इसका मतलब है कि वो भी दिखाया नहीं है,
पर जैसे ही वो वचन को पा लेता है, अब्राहम वहां से निकल पड़ता है विश्वास के साथ। पिता की बातों को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है, पिता के आदेशों को अपनी जिंदगी में रख लेता है, पिता के आज्ञाओं को वो स्वीकार कर लेता है और उस आज्ञा के वचन को लेकर के वहां से वो निकल पड़ता है। और जब निकलता जाता है, वहां से चलता जाता है, तो जहां जहां वो जाता है, परमेश्वर पिता की गहरी उपस्थिति उसके साथ, उसके परिवार के साथ सदैव बनी रहती है। जहां जहां पर भी प्रॉब्लम आती है, जहां जहां पर भी समस्याएं आती हैं, वहां वहां पर पिता अपनी उपस्थिति देता है और पिता अपना अनुग्रह प्रदान करता है और वो खड़ा हो जाता है अब्राहम के लिए। आमीन। मतलब अब्राहम के ऊपर भी परमेश्वर का विश्वास था, और अब्राहम तो विश्वास करता ही था, अब्राहम परमेश्वर भी अब्राहम पर भरोसा रखता था, और इसीलिए बाइबल कहती है कि वो विश्वास से धर्मी गिना गया, और वो अपने विश्वास में उसके जो काम थे उस काम में वो कभी पीछे नहीं हुआ। विश्वास और कर्म, कर्म को दोनों को वो साथ में रखा, बैलेंस में रखा और अपने आप को लेके गया, और कहा जाता है उसे दोस्त कहा गया परमेश्वर का। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।